केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में भव्य खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पर आयोजित हो रहे इस खेल महोत्सव के तहत कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर स्थानीय सांसद विवेक शेजवलकर विशेष रूप से मौजूद रहे। खेल महोत्सव के शुभारंभ के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने क्रिकेट खेली और मैदान के चारों ओर चौके छक्के उड़ाए। इस दौरान स्थानीय सांसद विवेक शेजवलकर ने भी गेंदबाजी करके अपने हाथ आजमाए। मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में खेलों के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री जी के यही प्रयास हैं कि भारत विश्व पटल पर हर क्षेत्र में उभरे। आज सांसद महोदय और हमने मिलकर ग्वालियर के खेल महोत्सव आयोजन की शुरुआत की है। हमारा देश खेल के क्षेत्र में एक असीम क्षमताओं का देश है और प्रधानमंत्री जी की यही सोच और विचारधारा है कि भारत विश्व पटल पर हर क्षेत्र में उभरे, आर्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में। और इसी सोच विचारधारा के साथ भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में बहुत सारे नई नई योजनाओं की शुरुआत की है। हमारी यही कोशिश है कि इसी भावना को हम जमीनी स्तर तक, चाहे वो वार्ड स्तर तक हो, चाहे वो पंचायत स्तर तक हो, पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी विचारधारा के साथ ये खेल महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में हमने शुरुआत की है, जहां कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अनेक तरीके के खेल के आयोजन होंगे। 4 स्टेडियम्स में इसे आयोजित किया जाएगा। कंपू के खेल परिसर में, रूप सिंह स्टेडियम में, मुरार में और एक और जगह, तो 4 जगह पे मिलाकर इसका आयोजन होगा। और हमारी विचारधारा है कि इससे एक नई फुर्ति हमारे युवाओं में भी आएगी, युवाओं में खेल के प्रति एक नया आकर्षण भी जागरूक होगा और इसके तहत ग्वालियर से नए हमारे नवरत्न भी आगे जरूर आएंगे। सर, सेना में भर्ती